चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम या फिर बाजार संतुलन को। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इस लेक्चर सीरीज में क्या करेंगे, अभी 2-3 वीडियो में, आने वाले 2-3 वीडियो में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टॉप टॉपिक्स क्या मतलब कि वो सोलो टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक। जैसे कि आपको कह दूं कि मैं हो गया, जैसे कि ये बाजार संतुलन वाला हो गया, हालांकि इसमें 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कुछ छोटे टॉपिक है उस पर प्रॉपर एक सेपरेट लेक्चर नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे ना कि एक लेक्चर में 2-3 पॉइंट को कवर कर लिया करेंगे। तो अभी 2-3 लेक्चर में क्या करेंगे, मैं पूरा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दूंगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, और इससे आपका लगभग कवर हो जाएगा, जो पूछा जा रहा है वो कवर हो जाएगा। 11th के NCERT उस पर सेपरेट पढ़ने की आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, एक बार पढ़ लें तो बेहतर होगा। ठीक है, बाकी ठीक है। तो इस वीडियो में हम बाजार संतुलन से संबंधित 3 टर्म देखेंगे, संतुलन, अधिमांग और अधिपूर्ति, ये 3 स्थितियों को हम बाजार में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट। तो पहली स्थिति जो है वो संतुलन की स्थिति है। ठीक है, तो बाजार में संतुलन की स्थिति, इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो 2 चीज़ों पर ज़्यादा बेस्ड है। ठीक है, एक है डिमांड, एक है सप्लाई, मांग और पूर्ति, इन दोनों चीज़ों पर ही पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बन गई है, ये बेस है उस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो बाजार में हमेशा 2 चीज़ें होती है। ठीक है, एक मांग होती है, एक पूर्ति होती है, मतलब कि कुछ कंपनियां होती है वो कुछ उत्पादन करती है, और लोग होते हैं वो उत्पादन को मतलब कि खरीदते हैं। ठीक है, तो कंपनियां मतलब कि सप्लाई को मेंटेन करती है, जबकि लोग क्या करते हैं, डिमांड जनरेट करते हैं। ठीक है, मांग उत्पन्न करते हैं और वो वस्तुएं खरीदते हैं। तो जब बाजार में और वहाँ उन दोनों की अंतर क्रिया के द्वारा एक बाजार बनता है, जहाँ कंपनी भी हो, लोग भी हो, उत्पादन भी हो रहा हो और लोग खरीद रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो तो उस सिचुएशन को बोलेंगे हम लोग कि संतुलन की स्थिति है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि कंपनियां जितनी भी वस्तुएं बनाएगी वो सारी वस्तुएं जो है बाजार में बिक जाएंगी या उपभोक्ताओं द्वारा खरीद ली जाती है। ठीक है, वही वही बात है कि जितनी वस्तुएं बेचने को इच्छुक है कंपनियां, वो सारी, ठीक है, वो सारी वस्तुएं उपभोक्ता खरीदने को भी इच्छुक है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि मांग भी मतलब कि कीमत भी अच्छी होती है और प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, और दोनों संतुष्ट होते हैं इसमें, उपभोक्ता भी और कंपनियां भी। तो यह है संतुलन की स्थिति। अगला जो स्थिति है वो है अधिमांग, एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड में आपको समझ में आ गया हो कि डिमांड ज़्यादा हो, या फिर अधिमांग में देखिए, अधिमांग जो बना है वो है अधिक मांग से बना है, अधिक मांग को शॉर्ट करके थोड़ा सा लिख दिया गया है अधिमांग। तो अधिमांग में क्या है कि मांग अधिक हो, मतलब कि डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, समझ रहे हैं इस चीज़ को? उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कभी कभी हम इंडिया में क्या हो रहा है, कभी कभी क्या, हर साल देखते हैं कि कुछ सीजन में क्या होता है, प्याज के रेट अचानक से बढ़ जाते हैं। जो 20 रुपये का प्याज है वो अचानक से आपको 80 रुपये मिलेगा। तो होता क्या है कि लोग खरीदने वाले तो हैं, प्याज की खपत घरों में उतनी ही है, लेकिन कुछ सीजन में क्या हुआ कि प्याज का जो खेप आ रहा था, प्याज जो आ रहा था उसका जो सप्लाई था वो कम हो गया, प्याज आनी कम हो गई। मतलब कि जहां डिमांड 100 किलो प्याज की थी, ठीक है, तो वो डिमांड अभी भी 100 किलो प्याज की है, लोगों को 100 किलो प्याज चाहिए, लेकिन अब जो वो 100 किलो प्याज था वो ना हो करके खेत से मात्र 50 किलो या फिर 60 किलो आ रहा है। तो वो जो 40 किलो का जो गैप था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो लेकिन मांग बरकरार है। तो इस स्थिति में क्या होती है कि सप्लाई के सापेक्ष जो है, पूर्ति के सापेक्ष मांग अधिक हो जाती है, या फिर मांग तो अधिक, जैसे 100 डिमांड है और 60 पूर्ति है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक कम हुआ तो एक अधिक हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे कि बाजार में अधिमांग की स्थिति हो गई है। और जब बाजार में अधिमांग या फिर एक्सेस डिमांड की स्थिति होती है, जब मांग ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ती है। तो जैसे वही मैंने आपको बताया कि प्याज जब घट जाता है उस सीजन में तो कीमतें बढ़ जाती है, वैसे बरसात में क्या होता है कि सब्जियों की कीमतें अचानक से बढ़ जाती है। तो कीमतें बढ़ने का कारण यही है कि उस समय जब बरसात वगैरह होता है तो सब्जियां वगैरह कम आती है, ठीक है, खेतों से, तो कम आती है तो लोग तो सब्जियां खाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि डिमांड उतनी ही रहती है, जबकि सप्लाई कम हो जाता है तो दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो इस स्थिति में क्या होती है, कीमतें बढ़ती है। ठीक है, ये देखिए कीमतें बढ़ने की संभावना होती है इस स्थिति में, ये वाली। अगला देखते हैं अधिपूर्ति। ठीक है, हमने देखा अधिमांग, अब है अधिपूर्ति, मतलब कि अधिक पूर्ति, एक्सेस सप्लाई, मतलब कि इसका ठीक उल्टा। ठीक है, अधिमांग में क्या हो रहा था कि मांग ज्यादा हो रहा था और पूर्ति कम हो रही थी, वही अधिपूर्ति में क्या होगा कि पूर्ति ज्यादा होगा। ठीक है, पूर्ति ज्यादा होगा और मांग जो है वो कम होगा, मतलब कि अब सिचुएशन अलग हो गई। अब वो वाली सिचुएशन आई है जैसे ठंड वगैरह में क्या हो रहा है, अभी अभी जो सिचुएशन है, सब्जियों की खेप अचानक से बहुत ज्यादा आ गई। अब बहुत ज्यादा आ गई तो मानिए कि 100 लोग खरीदने वाले थे, ठीक है, 100 लोग खरीदने वाले थे, और जो एक्सेस डिमांड वाली स्थिति थी उसमें थी कि सब्जियां 60 किलो ही आ रही थी, तो मांग ज्यादा थी और कीमतें भी ज्यादा थी। अब क्या हो गया कि 100 लोग खरीदने वाले, 100 किलो खरीदने वाले हैं, अब सीधे 150 किलो आ गया सब्जी, लोग तो 100 किलो ही खरीदेंगे, तो जो 50 किलो एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करेंगे कि किसी तरह से उसको खपा दिया जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे कीमतें गिरेंगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि मांग जो है वो कम होती है और सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में कि अधिपूर्ति की स्थिति है, एक्सेस सप्लाई की स्थिति है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होगी, ठीक है, इस स्थिति में जाहिर सी बात है कि जब ढेर सारी मतलब सप्लाई साइड खूब आ रहा है तो कीमतें घटती है उस स्थिति में। ठीक है, क्योंकि लोग कम खरीदने वाले हैं, मतलब कम क्या, चीजें ज्यादा हैं और उसके सापेक्ष लोग कम खरीद रहे हैं, तो कीमतें घटेंगी घटेंगी। ठीक है, तो ये तीन चीज हमने देखा अभी, ठीक है, जो मार्केट संतुलन से या फिर बाजार संतुलन से संबंधित था। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।